हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पशु में लगने वाले आपरे के कारण। पशु में आपरा क्यों आता है, किसकी वजह से पशु में आपरा आता है, और बहुत से पशुपालक व आप मेरे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप इस पशु में जो आपरा आता है उस पर एक वीडियो बनाएं। तो मैं आज आपरे पर पूरा वीडियो भी बनाऊंगा, आपरे के अंदर क्या कारण है, क्या इसके लक्षण हैं, क्या इसके बचाव हैं, क्या उपचार हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। इसलिए आप मेरी वीडियो पूरी देखें। हालांकि मेरी वीडियो लंबी ज़रूर होती है, लेकिन लंबी इसलिए होती है क्योंकि उसमें मैं डिटेल से बताता हूँ आपको, इसलिए आपको कोई शंका न रहो। और मैं जितनी भी मेडिसिन बताता हूँ आपको ऑप्शन के लिए बताता हूँ। बहुत से मेरे से कमेंट्स करते हैं कि सर ये तो बहुत ज़्यादा मेडिसिन बताई, वो सभी मेडिसिन आपको देनी नहीं होती। मैं उनका ऑप्शन बताऊँगा कि कौन कौन सी मेडिसिन आप अपने पशुओं को दे सकते हैं, यदि ये मेडिसिन नहीं मिले तो इसके स्थान पर आप ये मेडिसिन दे सकते हैं। इसलिए आपरे को जो आपरा क्या होता है कि जो रूमन में अधिक मात्रा में गैस बनने के कारण पशु का पेट फूल जाता है, यानी रूमन में जो गैस बनती है उसके कारण पेट फूल जाता है, उसी को हम आपरा कहते हैं। ये आपरे का कारण क्या है? देखो, आपरे का कारण ये है कि जब पशु अधिक मात्रा में जो हरा चारा खाने से या अधिक मात्रा में जो फलीदार दालें हैं, कांसली है, रिजका है, आलू है आदि खाने से भी आपके पशुओं को आपरा आ जाता है। और जो पशु को अधिक मात्रा में जैसे हरा चारा डालते हैं और अधिक मात्रा में जैसे आजकल पशु को जो आड़ू है उस वो भी अधिक मात्रा में डालते हैं या एक दिन का खट्टा हुआ दूसरे दिन डाल देते हैं, इसे भी आपके पशु को आपरा आ जाता है, उसके अंदर पेट के अंदर गैस बन जाती है। या जो अधिक मात्रा में सूखा दाने से या जो अधिक मात्रा में जो आटा बेसन जो गेहूं का आटा दे देते हैं या आटा बेसन खुआने से भी आपके पशु को आपरा आ जाता है और पेट की गैस की बाहर निकालने में भी रुकावट हो जाती है। या कोई ऐसी भी कंडीशन आ जाती है कि कई बार हम पशुओं को जैसे सब्जी डाल के आ जाते हैं, जैसे आलू है, गोभी है, और जो कई बार क्या है कि जो चारा होता है वो भी इकट्ठा होकर के आपके पशुओं को फंस ग्रास नाल में फंस सकता है, इसलिए भी आपके पशुओं को आपरा आ जाता है। और ग्रास नाल के संकड़े होने से भी आपके पशुओं को आपरा आ जाता है। और पशु को काफ़ी देर तक यदि आपका पशु एक ही तरफ तक लेटा रहता है तभी भी आपरा आ सकता है। या इंटरनल पैरासाइट हो, उसके अंदर आंतरिक परजीवी हो, वर्म्स हो, कीड़े हो, उसकी वजह से भी आपके पशु को आपरा आ जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपके पशु को जब भी ये कंडीशन है तो डिवर्मिंग आप अपने पशुओं को कराएं। हर बार मैं कहता हूँ कि आप अपने पशुओं को 3-3 महीने से आप अपने पशुओं की डिवर्मिंग कराएं ताकि जो इंटरनल पैरासाइट है वो ज़्यादा न पनपे, नहीं आंतरिक परजीवी। अब जो आपरा के कारण क्या है कि कभी कभार पशु के क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। आपरे से पशु का पेट फूलकर अधिक मात्रा में मोटा हो जाता है और जो बाइकोल होती है ना, लेफ्ट साइड, लेफ्ट फ्लैंक, उसमें क्या है कि प्रकर्षण से चलता रहता है और अंदर गैस भरी हुई होती है, यानी हम जब बाइकोल पर जब हाथ से थपथपाते हैं तो उसमें जो गैस भरी हुई है उसकी आवाज़ अलग से आती है, तो हमें पता लग जाता है कि इसके अंदर गैस भरी हुई है, इसे ही हम आपरा कहते हैं। और पशु को क्या है कि श्वास लेने में भी तकलीफ होती है और श्वास रुक रुक करके आता है, कई बार लास्ट स्टेज में ऐसा था कि आपरा बहुत तेज़ हो जाता है और आप पशु को श्वास लेने में तकलीफ आती है। और मैंने एक केस कल एक दो दिन पहले देखा था कि आपरे से पशु को बहुत तेज़ आपरा आ गया था, तो पशु को जो पीछे का हिस्सा होता है उससे भी जो ऐसे लगता है जैसे ब्लड आने लगे हो, क्योंकि वो गैस निकलने लग जाती है, तो एन से भी कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि ब्लड निकलने लग जाता है। वो किसकी वजह से? जब आपके पशु को इतनी अंदर रूमन के अंदर इतनी तेज़ गैस भर जाती है कि वो बाहर नहीं निकल पाती, इसके लिए यदि उस केस में यदि हम थोड़ा सा भी समय ज़्यादा लगवा दें तो पशु की तुरंत डेथ हो जाती है। ये ध्यान रखना कि पशु के आपरे के अंदर पशु की मौत बहुत जल्दी होती है। इसलिए आपरे से हमें क्या बचाव करना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब आपरे का ट्रीटमेंट जो आपको मेरी चेयर पर दिख रहा है वो मैं ट्रीटमेंट बताऊंगा कि आपरे के अंदर जब आपके पशु को जब आपरा आ जाए तो क्या करना चाहिए। फर्स्ट स्टेज ये है कि जब पशु को आपरा आ जाता है या आपके पास पशु चिकित्सक भी नहीं है तो आपको सबसे पहले आपको बाई कोल के अंदर जैसे ये 16 गोज की नीडल है, 16 नंबर की नीडल है, वो आप बाई कोल में हिट करें। बाई कोल में हिट करने के बाद में उसमें क्या है कि गैस निकलेगी, तो गैस जहाँ तक हो सकती है आपरे में सबसे पहले उसकी गैस कम करनी चाहिए ताकि पशु को हम बचा सकें, और उसके बाद में हम ट्रीटमेंट करते हैं। यदि पशु को बहुत ज़्यादा आपरा है, बहुत कंडीशन है, तो उसके अंदर हम जैसे मेरे पास ये 12 नंबर की नीडल है, 12 नंबर की ये जो नीडल दिखाई दे रही है आपको, ये हम उसके अंदर प्रवेश करवाते हैं 12 नंबर की नीडल। लेकिन ये तभी दिन चाहिए जब आपके पशु को बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो, जब 10 और 12 नंबर की नीडल है वो हम यूज़ में लेते हैं।
अब ट्रीटमेंट के तौर पर यदि ये कि सर्वप्रथम हम हमारे पशु को जब भी आपरा आ जाए तो घर के अंदर यदि पशु चिकित्सक उपलब्ध न हो तो हमें उसे सरसों का तेल कम से कम यदि आपका बड़ा पशु है तो उसे सरसों का तेल 500 ml से 1 लीटर सरसों का तेल पिला देना चाहिए डायरेक्ट। यदि मुंह से यदि सांस लेने में तकलीफ है तो आप उसे जो रूमन है उसके अंदर बाई कोल के अंदर निडल लगा करके उसे डायरेक्ट प्रवेश करवा सकते हैं। और ट्रीटमेंट के तौर पर हम उसे जैसे पाउडर इम्पेक्डोन आता है ये 200 ग्राम जो पाउडर इम्पेक्डोन है वो एक साथ थोड़ा सा गुड़ की डली में मिला करके पशु को देते हैं। इसी प्रकार जो कोल एल आती है वो भी हमें पशु को 500 ml एक साथ आफरे के अंदर पिलाई जाती है। और इसी प्रकार जो एनिवेट की एक्टिकूल प्लस आती है ये भी 300 ml एक साथ आफरे में दी जाती है। तो इसी प्रकार जो इरा कंपनी का नीट आता है जैसे बड़े हैं तो उनके लिए 300 ml नीट दी जाती है आफरे के अंदर। अब मैं ये बता दूं कि जो मैंने ये प्रोडक्ट बताया जैसे कोल एल है तो ये आप आपके पास उपलब्ध है तो एक ही दिन, ऐसी नहीं कि जो मैं सभी मेडिसिन बता रहा हूँ कोल एल एक्टिकूल इम्पेक्डोन नीट ये सभी आपके पशु को देना, नहीं। यदि आपके पास कोल एल मिले तो ये दे सकते हैं, एक्टिकूल प्लस मिले तो इनमें ये दे सकते हैं, पाउडर इम्पेक्डोन मिले तो दे सकते हैं या नीट मिले तो दे सकते हैं, यानी इनमें से कोई सा भी एक प्रोडक्ट यदि आपको मिले तो आप अपने पशु को दे सकते हैं। इसी प्रकार जो लिक्विड में आता है ब्लोटोसोल आता है ये आप अपने पशु को 100 ml से आफरे के अंदर दे सकते हैं, 100 ml लगा 4-4 घंटे के गैप के अंदर। इसी प्रकार जो आता है ब्लोटोनिक्स केटल रेमडीज का ब्लोटोनिक्स आता है ये भी 100 ml देनी है 4-4 घंटे के गैप के अंदर तीन। तो इस प्रकार से हम आफरे से बचा सकते हैं। इंजेक्शन के तौर पर बताऊँ तो जैसे इंजेक्शन हम ऑक्सी ले सकते हैं, ऑक्सी को हम इंट्रारूमनल यानी बाइकोल के अंदर 100 ml एक साथ बाइकोल के अंदर छोड़ सकते हैं। क्या पता बॉडी के अंदर के इंटरनल पैरासाइट इतनी पैदा हो जाए कि उसे बाहर निकालने में थोड़ी दिक्कत हो, तो इसके लिए हम जो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है ये 100 ml बाइकोल के अंदर डायरेक्ट क्या है कि रूमन के अंदर प्रवेश करवाते हैं। और मल्टीविटामिन के तौर पर हम जो इंजेक्शन है वो बेलामाइल इंजेक्शन यूज़ में लेते हैं। यदि आफरे के अंदर पशु को पेट दर्द हो रहा है तो हम जो स्पास्डिक इंजेक्शन आते हैं या स्पास्मोइड जो इंजेक्शन आते हैं वो यूज़ में ले सकते हैं। जैसे स्पास्टिक इंजेक्शन है पेट दर्द हो रहा है पशु को तो ये 30 ml यूज़ में हम ले सकते हैं। और दर्द की वजह से यदि मिलोनेक्स इंजेक्शन यूज़ में ले सकते हैं, बड़े पशु हैं तो 15 से 20 ml, छोटे हैं तो 5 से 7 ml भेड़ बकरियों के अंदर। और CPM के तौर पर हम जीत इंजेक्शन LMB कंपनी का ले सकते हैं 10 से 15 ml इंट्रा मस्कुलर। ये तो हमें जो इंजेक्शन है ये बताए हैं मैंने कि हम यूज़ में ले सकते हैं। यदि आपका पशु जैसे प्रेग्नेंट है तो इसके अंदर हम एंटीबायोटिक के तौर पर जो मोक्सल आता है 4 ग्राम वो हम यूज़ में ले सकते हैं। ये जो मैंने जितनी आपको ये मेडिसिन बताई हैं, ऐसा नहीं है कि आपको ये सभी मेडिसिन यूज़ में लेनी है, इनमें मैंने आपको ऑप्शन भी बताए हैं कि यदि आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। ये जो ब्लोटोनिक्स है ये इनमें से आप कोई सी भी एक चूज कर सकते हैं, लिक्विड में आप कोई सा भी एक दे सकते हैं। ऐसे नहीं कि ये सभी मेडिसिन आपको देनी है, मैं तो आपकी सुविधा के लिए यदि आपको जिस स्थान पर यदि कोई सी भी यदि मेडिसिन मिलती है उनमें से लिक्विड एक ही आपको देना है, ऐसा नहीं कि जो सभी लिक्विड देना है, एक लिक्विड देना है और एक आप पाउडर में चूज कर सकते हैं। और इंजेक्शन के तौर पर तो ये आप यूज़ में ले सकते हैं, ये तो आपको है। उसी प्रकार यदि आप अपने पशु को टर्पेंटाइन ऑयल, ये लेकिन आप कभी भी यूज़ में मत लेना, पशु पालकों से मेरा निवेदन है कि आप कभी भी टर्पेंटाइन ऑयल यूज़ में मत लेना, क्योंकि आप अपने पशु को टर्पेंटाइल यूज़ में लेंगे तो आपके लिए खतरा हो सकता है। ये सिर्फ पशु चिकित्सक यूज़ में ले सकता है। जैसे 100 ml टर्पेंटाइन ऑयल को 500 ml सरसों के तेल में मिलाकर बहुत ज़्यादा तेज़ आफरा आता है, मैं तो ये यूज़ में लेता हूँ, कोई सी मेडिसिन यूज़ में नहीं लेता। मेरी फेवरेट मेडिसिन टर्पेंटाइन ऑयल प्लस 500 ml सरसों का तेल मिलाकर के मैं पशुओं को देता हूँ। लेकिन ये सबसे बात है कि आपको देने की विधि अच्छी तरीके से आनी चाहिए, वरना आप पशु की डेथ हो सकती है। ये बहुत ही जो क्रिटिकल केस के अंदर यूज़ में लिया जाता है, लेकिन मेरा तो ये फेवरेट ट्रीटमेंट है। लेकिन आप कभी भी इस ट्रीटमेंट को यूज़ में न लें, क्योंकि ये टर्पेंटाइन ऑयल होता है बहुत
हल्का होता है और पशु की सांस के साथ क्या है कि श्वास नली में चला जाता है और आप पशु की तुरंत डेथ हो जाती है। और विशेष रूप से भेड़ बकरियों में तो इसका बिल्कुल भी यूज़ में न ले। भेड़ बकरियों को तो यदि आप टर्पेंटाइन ऑयल यदि आप उनकी जीभ पर थोड़ा सा भी डाल देंगे तो तुरंत डेथ हो जाएगी, इसलिए आप इसे बच करके ही रहें। इसलिए टर्पेंटाइन ऑयल तो वो यूज़ में ले सकते हैं जो बहुत जिसको बहुत ज़्यादा फील्ड का नॉलेज है या देने की विधि अच्छी तरह से आती है वही यूज़ में लेना है, अन्यथा आप लोगों को तो बिल्कुल भी पशुपालकों को तो लेना ही नहीं है। पशुपालकों को तो जैसे मैंने ये बताया ये लेने आप बचा सकते हैं। और आफरे से बचाव का तरीका ही है कि आप अपने पशु को आफरे से तभी बचा सकते हैं, आफरा आने के बाद में यदि आप कम से कम 4 से 5 दिन आप अपने पशु को हरा चारा बिल्कुल भी ना डालें। हरा चारा और या जो हार दे रहे हैं बांट बूट दे रहे हैं वो बिल्कुल भी न डालें, क्योंकि पशु को वापस भी गैस बन सकती है, इसलिए उसे हो सके वहाँ तक सूखा चारा ही डालें। ये तो आपको सावधानी रखनी है। और आप अपने पशु को यदि बार बार आफरा आ रहा है तो इसके बचाव के लिए आप अपने पशु को जो ये फाइबर पाउडर आता है आप अपने पशु को 50-50 ग्राम लगातार देते रहें, जिन पशुओं को बहुत ज़्यादा आफरा आता है तो लंबे समय तक, इसलिए आप अपने पशु को बचा सकते हैं। इसलिए अच्छा आहार दें और अच्छे पशु की देखभाल करें। इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं आपसे अब विराम लेता हूँ। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी आप रे पर तो आप नीचे जाके कमेंट में ले सकते हैं और मेरी वीडियो को लाइक करें। आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाता हूँ। और जो मेरे जो नए साथी जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें, इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।